अनित्य सहयोगियों को प्राप्त करके इसका सदुपयोग करते हुए नित्य परमात्मा को हम प्राप्त कर लें, जान लें, यही बुद्धिमानी है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम सुखम लोकम, इस अनित्य सुखहीन सुख रहित लोक को और लोक के संसाधन को प्राप्त करके भजस्व माम, भगवान कहते मेरा भजन कर, और जो नहीं करता तो भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, जो दुष्कृति हैं, जिन्होंने जीवन में दुष्कर्म ही किया, अच्छे कर्म नहीं किए, वो मेरी भक्ति में नहीं लग पाते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, और जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, जो नराधम है, वो नर नहीं है, नराधम है, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगते, जिन्हें भगवान की कथा प्यारी नहीं। तो निश्चित रूप से भगवान की महती कृपा है कि हम सभी लोग ऐसे पावन अवसर पर भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। रामायण की कथा का एक एक अक्षर, रामायण का एक एक शब्द हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव का वर्णन। चार चार रूपों में भगवान श्री अवध में प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपं। श्री दशरथ जी को पिता के रूप में वर्ण करके भगवान चार चार रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। एक साथ भगवान के चार अवतार बने हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, पुनर्वसु नक्षत्र में मंगलवार के दिन नौमी तिथि को भगवान का प्राकट्य हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का प्राकट्य इसलिए हुआ कि पुनर्वसु का मतलब है पुनः बसाने वाला, जो पुनः बसा दे उसको कहते हैं पुनर्वसु। पुनः वासे, जो पुनः बसा दे उसको कहते हैं पुनर्वसु। रावण के आतंक से जो लोग उजड़ गए थे, रावण ने जिनको उजाड़ दिया था, बेघर कर दिया था, उन भक्तों को, उन सज्जनों को पुनः मानो बसाने के लिए भगवान आए, इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में आए। मंगलवार दिन सारे विश्व का मंगल करने के लिए भगवान मंगलवार को प्रकट हुए। और भगवान कौन है? बोले भगवान मंगल के भी मंगल है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यय पिता। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, जो पवित्र के भी पवित्र हैं और मंगल के भी मंगल, मंगल में भी जो मंगलत्व है वो भगवान के कारण, ऐसे परम मंगलमय परमात्मा मंगलवार को प्रकट हुए। इसी श्लोक का भाव मानो गोस्वामी जी ने लिखा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहार। नौमी तिथि को भगवान प्रकट हुए। नौमी, ऐसे तो संख्या की दृष्टि से पूर्ण संख्या है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो नौमी तिथि रिक्तता है, ऐसे तो पूर्ण है। अंकों में नव अंक परिपूर्ण अंक होता है, नौ कभी घटता नहीं और नौ से बड़ा कोई अंक नहीं होता, अंतिम अंक नौ है और नौ कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं,
नौ का दो गुना कर दो तो नौ दुना अट्ठारह, और आठ और एक को जोड़ दो फिर नौ हो जाए, तीन गुना कर दो सत्ताईस, दो और सात को जोड़ दो फिर नौ हो जाए, वो न घटेगा न बढ़ेगा, करते जाइए जितना भी गुणा गणित कर लो। उसी प्रकार भगवान निर्विकार है, वो कभी घटते नहीं कभी बढ़ते, सदा परिपूर्ण एक रस है। इसलिए भगवान नवमी तिथि को प्रकट हुए, नवमी नवल सुन नवगुण पूर्ण, नवमी तिथि नवल सुन नवगुण पूर्ण, परिपूर्ण तिथि नवमी तिथि को। संत जन कहते हैं नवमी तिथि तो रिक्ता है, ज्योतिषियों के अनुसार चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि आ जाए तो लोग कोई शुभ काम नहीं करते, कहते आज तो रिक्ता है, आज करना ठीक नहीं। तो नवमी तिथि जो रिक्ता थी वो भगवान के पास गई और रिक्ता ने कहा महाराज आपने हमको तो बनाया लेकिन रिक्ता बना दिया, जैसे ही मेरा समय आता है पंडित लोग ज्योतिषी लोग कहते हैं आज तो रिक्ता है सब काम बंद, इस कारण से मैं बड़ी दुखी हूं, मैं तो रिक्ता हूं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं रिक्ता में ही आऊंगा और तुमको पूर्णा बना दूंगा। भगवान नौमी तिथि को आए, रिक्ता तिथि में आए। रिक्ता में क्यों आए? संत जन कहते हैं भगवान आए तो उनके लिए कोई जगह तो होनी चाहिए, जिसके अंदर पहले से ही कचरा भरा है वहां ठाकुर कहाँ आएंगे, पहले रिक्त करो, हृदय रिक्त होगा खाली होगा संसार निकलेगा तब ठाकुर आएंगे। इसलिए भगवान रिक्ता तिथि में आए। और बसंत ऋतु, वसंत ऋतु में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। ये वसंत ऋतु क्या कहती है? संत जन कहते हैं कि ऋतु बसंत बस अंत राम सो, ये बसंत ऋतु मानो कहती बस अंत। क्यों? बोले अब जो ठाकुर प्रकट हो रहे हैं ये कौन है? बोले अंतिम ठाकुर हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं, बस अंत। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं। ऋतु बसंत बस अंत राम सो, अंतिम परम तत्व भूमा पुरुष परम परमात्मा वैकुंठनाथ सर्वेश्वर प्रकट हो रहे हैं, इसलिए वसंत ऋतु। और ये वसंत ऋतु तो भगवान का ही स्वरूप है। अपनी विभूति का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर, ये वसंत ऋतु भगवान का ही स्वरूप है। ऐसे वसंत ऋतु में नवमी तिथि को मंगलवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र मधुमास, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास मधुमाने मीठा, अत्यंत मीठा मास, बहुत मधुर मास है हमारा। ऐसे मधुमास में भगवान प्रकट हुए, संपूर्ण तिथि को संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए भगवान आ रहे हैं, इसलिए मधुमास। और मधु में तो मधुरता होती है, और ठाकुर कौन है? बोले मधुरता के भी अधीश्वर हैं। इसीलिए भक्तों ने कहा मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जिनका सब कुछ मधुर है, अधरम मधुरम बदनम मधुरम चलनम मधुरम, जिनका बोलना चलना हंसना सब कुछ मधुर है, ऐसे मधुराधिप परमात्मा प्रभु प्रकट हो रहे हैं, इसलिए मधुमास।